नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहकर 70 सालों तक अपनी सरकार के साथ राज किया, अब कहीं ना कहीं पर वो पार्टी हाशिए पर जा चुकी है। लेकिन उसके तमाम नेता, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ बयान ऐसे देते हैं जिस वजह से वो सरकार में यानी कि हाईलाइट मुद्दों के साथ बने रहते हैं। आपको अभी बता दूं कि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जो अदला बदली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस से अगर बात करें तो भागदौड़ की स्थिति अभी सामने आ रही है। अभी आपको बताऊं कि सबसे बड़ा चेहरा जहां पर कांग्रेस की पार्टी का माना जा रहा था हार्दिक पटेल, अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है, जो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस के लिए काफी दुख की भी बात है और साथ में पार्टी में एक हड़कंप भी मचता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताऊं कि जैसे ही हार्दिक पटेल ने भाजपा सरकार का दामन थामा है, उनकी तरफ से कई सारे बयान भी आ रहे हैं जहां पर वो ये कहते हुए नजर भी आए कि अगर कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से, वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उसके साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी बहुत कुछ कहा है। पहले आप वो सुनिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भगीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। ये स्टेटमेंट जो है वो हार्दिक पटेल की तरफ से दी गई है, जहां पर हार्दिक पटेल ने जैसे ही भाजपा का दामन थामा है, इसको लेकर भी हालांकि तिलमिलाहट देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के बीच में। लेकिन आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ हार्दिक पटेल ही नहीं बल्कि और कई सारे ऐसे तमाम चेहरे हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं पर कांग्रेस पार्टी से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप एक वीडियो देखिए जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम है। पहले आप उनका वीडियो देखिए कि उन्होंने उस वीडियो के अंदर क्या कुछ कहा है। मैं राज्यसभा के कैंडिडेट की रेस में नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, धर्म नाम के शब्द से नफरत है। तो जब हिंदू नाम के शब्द से नफरत है तो किसी हिंदू धर्म गुरु को राज्यसभा में कैसे भेजा जा सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे लोग कांग्रेस में मौजूद हैं जिनसे अगर हिंदू के ऊपर बात की जाए या फिर हिंदू शब्द वो सुनते हैं तो तिलमिला उठते हैं। ये साफ नजर आता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अब नेता या फिर प्रवक्ता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये साफ जताता है कि कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर चल रही है। क्योंकि आपको जैसा पता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि भाजपा सरकार हिंदू और मुस्लिम करती है, लेकिन वहीं पर अगर देखें तो कांग्रेस के जो अंदरूनी नेता हैं जो लगातार कांग्रेस का बचाव करते हुए नजर आते हैं, ये वही जो अपने आप को एक धार्मिक नेता भी बताते हैं और साथ ही में आचार्य भी बताया जाता है, इनकी तरफ से उनका खुद ये बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू शब्द को सुन लेती है तो वो कहीं ना कहीं पर तिलमिला जाती है। यानी कि पार्टी के अंदर ही आप देख सकते हैं कि अंदरूनी जो परिस्थिति है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है, जहां पर हिंदू धर्म की रणनीति देखने को मिल रही है कि कांग्रेस का अगर कोई प्रवक्ता या फिर कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्दों को अगर सुनती है या फिर उनको लेकर जो सेवाएं होती है उनको अगर वो सुनती है तो तिलमिला उठती है। अब ये तय हो गया है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी निशाना साधती है पक्ष के ऊपर या फिर जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर कि वो हिंदू मुस्लिम की नीति करती है, वहीं पर कांग्रेस के जो नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो ये साफ बताता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस इस वक्त इस तरीके की उम्मीदें या फिर किस तरीके का काम कर रही है। अब आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से आचार्य लगातार ये कहते भी नजर आए हैं, उन्होंने नाराजगी भी जताई है कि राज्यसभा में मुझे इसलिए पेश नहीं होने दिया जाता क्योंकि मैं एक हिंदू व्याख्यान करता हूँ, यानी कि हिंदू धर्म को लेकर मैं लगातार बातचीत करता रहता हूँ। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति ये रही है, अगर वो हिंदू को सुन लेती है या हिंदू शब्दों को सुनती है तो वो नाराज हो जाती है, उसके अंदर एक नाराजगी आ जाती है। तो अब ये साफ पता चलता है कि अगर आप कांग्रेस सरकार को जो पिछले 70 सालों से पहले थी उसमें और अब की जो राजनीति है उसमें कितना अंतर देख पा रहे होंगे, अगर आप कांग्रेस पार्टी को आज कहीं ना कहीं पर पसंद करते हैं तो यह साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस समय किस रणनीति को लेते हुए चल रही है। क्योंकि अंदरूनी नेता जो उसके अंदर लगातार काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता होता है उसका बचाव करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आचार्य ने कहा, वो पहले भी प्रियंका वाड्रा का भी कई बार समर्थन करते हुए नजर आए कि वो हिंदू देवी की तरह जिस तरीके से यूपी इलेक्शन में उतरी थी उनकी जीत होगी, इस तरीके के काफी सारे बयान उनके तरफ से देखने और सुनने को मिले। लेकिन अब जो वीडियो उनके
की तरफ से वायरल हो रहा है, यानी कि जो इंटरव्यू वो दे रहे हैं न्यूज 24 को, जो आपने वीडियो में सुना, वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं पर तिलमिला जाती है। इसके अलावा आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे वो आप बता सकते हैं। साथ ही खबर के लिए शुक्रिया।